आप सभी के लिए, आप सभी के प्रैक्टिस के लिए एक से दो वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। दोस्तों डेली हमें कार को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कार को हमें कैसे चलाना चाहिए। दोस्तों अभी मेरे साथ पे जो कि स्टूडेंट है, जो कि भाई साहब है, अभी वो आ रहे हैं, उनका टाइम हो चुका है ड्राइविंग सीखने के लिए। मैं उनके घर पे वेट कर रहा हूँ। दोस्तों हमें कार को कैसे चलाना चाहिए, कार को चलाते वक्त अगर हम फर्स्ट टाइम में कार को चला रहे हैं तो हमें कैसे कार को चलाना चाहिए, किन किन चीजों पर हमें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें कार को कैसे चलाना चाहिए और कैसे हमें चीजों पर अलर्ट रहना चाहिए, ताकि हम रास्ते में चलाएं तो हमें और सामने वालों को या फिर पीछे वालों को, किसी दूसरे को दिक्कतें ना हो कार को चलाते वक्त, कैसे हमें सेफ रहना चाहिए एक रास्ते पे कार को चलाते वक्त। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे Facebook पेज को फॉलो करें, लाइक करें। दोस्तों आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि हमें कार को कैसे चलाना चाहिए। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको मेरे साथ में जो कि स्टूडेंट हैं उनके साथ में कैसे प्रैक्टिस हुई, उनका कैसा कंट्रोल है, कैसा कॉन्फिडेंस है। आप सब जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मेरे साथ में अभी स्टूडेंट आ चुके हैं, मैं पहले तो इनसे बात करूंगा, जानता हूं इनका क्या नाम है, इनका आज कौन सा डे है ड्राइविंग सीखने के लिए। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। क्या नाम भैया आपका? यश। यश जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? मैं मम्मी से। डालीबाग। गुड। अभी आपको आज मेरे साथ में आज कौन सी क्लास है, कौन सा डे है आज? सेकंड डे। आज सेकंड डे। मैंने आपको फर्स्ट डे में कौन से रास्ते पे कार को चलवाई? आपको मुझे 1090 चलवाया, वहाँ से हम लोग लोहिया गए, फिर वहाँ से हम लोग अम्बेडकर साइड गए, फिर वापस। फर्स्ट डे से हम लोग ऑन रोड चलाना स्टार्ट किए। फर्स्ट डे में आपने किन किन चीजों पे हमें प्रैक्टिस किए, मतलब किन किन चीजों पे? अभी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करना कि एक्सेलरेटर एकदम से नहीं देना, और गियर चेंज करते वक्त क्लच पूरा दबाना, एंड ब्रेक लगाते हुए भी क्लच पूरा दबाना। गुड, ठीक है। आज हम लोग फिर से इंजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लच को दबाएंगे और इंजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। पैर में क्या हो गया आपके? वो भी फुटबॉल खेलते हुए। ठीक है, फर्स्ट गियर लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अभी हल्का सा हम लोग क्लच को छोड़ेंगे। अभी हम लोग 28 पे चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चलानी है आपको कार, है ना, 38 तक, ठीक है। 10 किलोमीटर कार आपको डेली चलाना होता है। गुड, सीधे जाएंगे स्ट्रेट हम लोग, ठीक है। कहीं पे भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा। अभी आपने जो कार को चलाना स्टार्ट किया, कौन से गियर पे कार को चलाना स्टार्ट किया? फर्स्ट गियर में। सेकेंड गियर हम लोग कब लगाएंगे? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा जी। जब हमारी फर्स्ट गियर में 15 प्लस हो जाएगी स्पीड, फिर हम लोग सेकंड गियर लगा लेंगे। जैसे कि अभी आप एक्सेलर छोड़ो पे, क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लो, छोड़ो पे क्लच। अब आगे स्लोप है, रैंप है ना, चढ़ाई है, आपको हल्का सा स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, और लेफ्ट का सिग्नल मार देना है। हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे, लेकिन देख लेंगे कि रास्ता है, ज़्यादा तेज नहीं है ना, हल्का करेंगे, बट हल्का हल्का, एकदम से नहीं भगाएंगे ना स्पीड, है ना, देख लेंगे कोई स्पीड में ना आ रहा हो। अब बढ़ाओ स्पीड, अभी हल्का का स्पीड बढ़ाओ, हल्का का गट, है ना, चढ़ गए हम लोग गट। ठीक है, आपके राइट साइड से भी कोई स्पीड में आ रहा होगा ना, तो उसको भी हमें देखना होगा। ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाना है, कंट्रोल को रखना है, ठीक है, कार को कंट्रोल रखना है, ज़्यादा स्पीड नहीं भगाना कि आप कस के स्पीड भगा दो और फिर संभाल ना पाओ, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड गियर में कार को चला रहे हैं, ठीक है। सीधे आना, देखो भाई साहब आ गए, ऐसा डर गया आपने ब्रेक पे पैर रखा, इसी को आप धीरे से ब्रेक पे पैर लेके आना चाहिए था आपको ना, तो इतना ज़्यादा काफ़ी दिक्कतें नहीं होती। कहीं आपने एकदम से पैर लेके आ गए ब्रेक पे और एकदम से दब गया पैर, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी आगे। आपके घर पे कौन सी कार है? ऑल्टो। ऑल्टो कार है, K10 है ना जी। गुड। सिर्फ ब्रेक पे रख लेंगे बस। ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे हम लोग, है ना, एक स्पीड रखेंगे और कंटिन्यू उसी स्पीड को हम लोग मेंटेन करते जाएंगे।
खड़े हैं सामने, इनको देख करके फिर हम निकलेंगे। हल्का सा लेफ्ट साइड रखेंगे कट, और आगे से टी पॉइंट है, तो वहां से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। आप लेफ्ट सिग्नल दे सकते हैं भैया, कट ज़्यादा स्पीड में मत करो, ज़्यादा स्पीड मत करो, स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे हम लोग। सिर्फ ब्रेक पैर रख लो, अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो आप ब्रेक पे पैर रख लो बस, ताकि अगर बाय मिस्टेक अगर आपका राइट वाला पैर दबे तो ब्रेक ही दबे, ठीक है। चलो आराम से लेफ्ट साइड पकड़ के चलना है, राइट साइड जगह आपको छोड़ के रखना है, ठीक है। सामने से जो लोग आ रहे हैं उनको राइट साइड में निकल जाने दो। धीरे से वापस सीधा कर लेंगे स्टीयरिंग को, गट हल्का राइट रखो भैया, देखो सामने बाइक ले भैया खड़े, चल देंगे आप पर, गलत बात है ना, आपके सामने बाइक अलग खड़ा, वो रेडी है चलने के लिए, आपके राइट साइड में कार आ गई, कैसे कंट्रोल करोगे अपनी कार को, चीजों पे ध्यान देना है ना। हल्के सा बाई मिस्टेक कहीं गलती से किसी के लग जाएगा ना, फिर कलेश हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जितना चीज़ों पे आप ध्यान दोगे ना उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। बहुत लेफ्ट साइड में सटा के निकाले अभी बाइक के, आगे से हम लोग लेफ्ट जाएंगे रास्ते से, स्पीड थोड़ा कम हो, ज्यादा लेफ्ट क्यों जा रहे हो भाई, आप बहुत लेफ्ट सटा रहे हो आप, और राइट अप गया था सो गुड, लेफ्ट साइड में झाड़ियां हैं बचा के निकलना है, गुड। सिर्फ ब्रेक पर रख लो भैया, बहुत आराम से आपको लेफ्ट घुमाना है यहाँ पे, बड़ा हल्का कर दिया स्पीड, से गोल चक्कर से हम राइट ले लेंगे, ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, बहुत आराम चलाना, अच्छा चल चला रहे हैं आप सेकंड डे में, थोड़ा सा स्पीड कम ही रखना आपको। चक्कर से राइट टर्न करेंगे हम लोग, राइट का सिग्नल मार दीजिएगा पीछे, ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्लो करना होगा तो हल्का सा ब्रेक पर रख करके हल्का सा चलना है, बट बहुत हल्का हल्का राइट रखेंगे प्लीज, और राइट रखेंगे हम लोग बस, कोई दिक्कत लगे ना तो ब्रेक पैर रखना सबसे पहले, चले वो पत्थर का गेट है ना उसमें जाना है आराम से, ज़्यादा स्पीड मत करो भैया, चलो लेफ्ट साइड में देख करके फिर निकालिएगा, चलो अभी कोई नहीं, अभी आप देर से निकाल सकते जाओ, इसी गेट के अंदर से हम जाएंगे,
से यहाँ पे कट, सही है। चलो बड़ा मुश्किल, कैसे नहीं भैया बढ़ाएंगे, आराम से बढ़ाएंगे।